आज एक्चुअली हम बनारस रेलवे स्टेशन पर हैं, जहाँ मेरे टीसी बाबू काम करते हैं, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और टीसी बाबू पे इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया है, क्योंकि उनके टिफ़िन में, जो कि मैंने ही बना कर दिया था, उसमें बॉम्ब था। तो अब टीसी बाबू फंस गए हैं और हमें गधे का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। तो हम सब लोग अपनी पूरी फैमिली को लेकर यहाँ पर आते हैं और तो देखते हैं कि पुलिस वाले गधे को पकड़े हुए हैं और उसको गिरफ्तार कर रहे हैं, और हम आकर फिर इंटरवीन करते हैं। तब जाकर हमें पता चलता है कि नहीं, ये तो डबल रोल है, यहाँ पर तो एक और गधा मौजूद है। यानी कि वो जो एक और गधा है वो एक्चुअली कन्नू कानपुरी है, जो कि कानपुर का एक बहुत मशहूर गुंडा है, जो हमारे यहाँ पहले भी आ चुका है, हमें परेशान कर चुका है, अभी तक जेल में था, पता नहीं कैसे बाहर आ गया। हाँ, ये बहुत ही ये लास्ट सैचुरेशन पॉइंट है हमारी स्टोरी का, क्लाइमैक्स शूट कर रहे हैं हम एक्चुअली, जिसमें बॉम्ब ब्लास्ट होगा नहीं होगा, दूसरा बॉम्ब ब्लास्ट है क्योंकि। तो हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि ऐसा कुछ ना हो और हमारा जो रेलवे स्टेशन है वो बच जाए, और साथ ही साथ हमें पता चल जाए कि असली गधा है कौन। हाँ, हम बहुत डर गए जब बाबूजी ने अपने ऊपर बंदूक तान दी, क्योंकि ये पता करने के लिए कि गधा असली कौन है, हमें लगा था बाबूजी कोई और तरकीब निकालेंगे, गधे का कोई कॉम्पिटिशन करवाएंगे या कोई सवाल पूछेंगे, कोई क्विज पूछेंगे, लेकिन बाबूजी ने अपने ऊपर गन तान दी और बोला कि मैं मर जाऊँगा, मैं गोली चला दूँगा अगर जो असली गधा है उसका पता नहीं चला, या कन्नू कानपुरी जो है वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। तो ये उनकी चाल है, ये उनका तरीका है ये पता करने का कि उनका गधा जो उनसे बहुत प्यार करता है वो कौन है। मैं व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगी कि ये बारिशों का मौसम है, और बारिशों के मौसम में हम काफ़ी आउटडोर्स कर रहे हैं छाते ले लेकर, विच इज़ एन अनयूजुअल सीन, इस तरह के सीन्स दिखते नहीं हैं। आप यूजुअली जब बारिशें होती हैं तो हम इंडोर्स चले जाते हैं और शूट नहीं करते हैं, बट इस बार हम लोगों ने कुछ यूनिक ट्राई किया है, सब छाते पकड़ के खड़े रहते हैं और हमारे आउटडोर सीक्वेंसेस होते हैं। आई होप कि आप लोग ये आउटडोर सीक्वेंसेस इन्जॉय करें और हमारी जो स्टोरी है उसे इन्जॉय करें। प्लीज़ वॉच चिड़ियाघर मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे सब टीवी पर।